नहीं। ही ट्वाइलाइट, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। मैंने बिग मैकिंटोश से शर्त लगाई थी कि मैं ये सारे एप्पल्स लंच टाइम तक बांध में ले जाऊंगी। अगर मैं जीत गई तो वो नानी के कपड़ों में स्ट्रीट पर वॉक करेंगे। कोई बात नहीं एप्पल जैक, अच्छा है लंच टाइम तक ही काम करना है क्योंकि मुझे इतना काम करके भूख लग गई है। हाँ, सच में। रहने दो स्पाइक, तुम सुबह से मेरी पीठ पर बैठे हो जबकि सारा काम मैंने किया है। वही तो, तुम दोनों कितना टाइम लगा रही हो, मेरे स्नैक्स का टाइम निकल गया। लगता है हमें कुछ खा लेना चाहिए। नहीं। आहा। ओह स्पाइक, ये कितना यम्मी है। सुनो स्पाइक। क्या? प्रिंसेस सेलेस्टिया का लेटर आया है। सुनो सुनो सुनो, एक्वेस्ट्रिया के शाही खानदान की प्यारी प्रिंसेस सेलेस्टिया को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रैंड गैलपिंग गैला रखी गई है देश की शानदार राजधानी कैंटलॉट में, जो ब्ला 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 इस दावत में इनवाइट किया जाता है ट्वाइलाइट को, जो अपने साथ एक मेहमान ला सकती है। The Grand Galloping Gala! The Grand Galloping Gala! Wow! ये लो दो टिकेट्स। वाह, मजा आ गया। मैं पहले कभी गाला में नहीं गई, तुम गई हो स्पाइक? नहीं, मैं इसे सिंपल रखना चाहूंगा, मुझे लड़कियों जैसे नखरे पसंद नहीं है। ओह कम ऑन स्पाइक, थोड़ा सा डांस तो कर ही सकते हो। बिल्कुल, ये तो बहुत मजेदार होगा, मैं जरूर जाना चाहूंगी। काश उस फेस्टिवल में मैं अपना एक छोटा सा एप्पल स्टॉल लगा सकूं। सोचो जब सब पोनीज हमारे एप्पल खरीदेंगे कितना फायदा होगा, हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर मैं उसे एक नया एप्पल फार्म खरीदूंगी, उन पैसों से हम घर की पुरानी छत बदल सकते हैं, हम पुराना हल बदल कर नया खरीद सकते हैं, और इन पैसों से अपनी दादी की कमजोर टांगे सही करवा सकते हैं। जरूर उस फेस्टिवल में जाना चाहूंगी। आओ, तो अगर ऐसी बात है एप्पल जैक, क्या हम उस ग्रैंड गैलपिंग गैला फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? रेनबो डैश, तुमने तो कहा था कि तुम एप्पल की सिंचाई में मदद नहीं कर सकती। किस काम में बिजी थी? जासूसी में? नहीं, मैं सो रही थी और तब मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है। है तो, लेकिन ओहो, क्या बात है, मजा आएगा। वंडर बोर्ड्स इस फेस्टिवल में हर साल हिस्सा लेते हैं, क्या नजारा होगा। सब आसमान की तरफ देख रहे होंगे, सबकी नजर वंडर बोर्ड्स की उड़ान पर होगी और उसमें में ही मैं आऊंगी रेनबो डैश। मैं अपने सुपर स्टंट से सबका ध्यान अपनी तरफ कर लूंगी। फिर अपनी कला से उनका दिल जीत लूंगी और ग्रैंड फिनाले में मेरा स्पेशल बकनियर प्लेस। ये देखकर सब हैरान हो जाएंगे, वंडर बोर्ड्स भी मेरी स्टंट को अपनी कला में शामिल करना चाहेंगे और फिर मुझे अपने टीम का नया मेंबर बना लेंगे। क्या तुम देख सकती हो ट्वाइलाइट, ये मेरे लिए सुनहरा मौका हो सकता है अपनी कला दिखाने का। एक मिनट पीछे हटो रेनबो डैश। टिकट्स के लिए पहले मैंने कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने खरीद लिया। तो ठीक है, क्यों ना हो जाए एक एक हाथ, जीतने वाले को टिकट्स मिलेंगी। लेडीज, ये मेरी टिकट्स हैं और मैं डिसाइड करूंगी कि ये किसे देनी है। जिसके पास भी वहाँ जाने का बेस्ट रीजन होगा उसी को ये टिकट मिलेगी। मुझे अपने खेत का बिजनेस बढ़ाना है, वंडर बोर्ड्स को अपनी स्टंट दिखाना, दादी के पैरों का ऑपरेशन, अपने सपने पूरे करने हैं। ओह गॉड, ये तो बहुत अच्छी वजह है ना? क्या तुमने सुना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मैं भूखे पेट ज्यादा देर नहीं रह सकती, तो मैं लंच के दौरान सोचूंगी और फिर तुमसे मिलती। ओके बाय। ओके। तुमने
लिए क्या सोचा ट्वाइलाइट, किसे टिकट्स दोगी? पता नहीं स्पाइक, लेकिन मैं सच में खाली पेट नहीं सोच सकती। तो खाना खाते हैं पहले। जाने का मौका नहीं मिला। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वो ग्लैमर, मैं सिर्फ उसके लिए ही बनी हूँ। और वही मुझे मिलेगा मेरे सपनों का राजा। राजा? कौन? वो। जब मैं उस फेस्टिवल में जाऊंगी तो सबकी नजरें मुझ पर होंगी। मैं वहाँ सबके सामने इतराते हुए चलूंगी, जैसे मुझे खुद प्रिंसेस सेलेस्टिया ने वहाँ दावत पर बुलाया है। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं पोनीविल शहर की एक साधारण सी पोनी हूँ, और प्रिंसेस खुद मेरे स्टाइल से इतनी खुश हो जाएंगी कि मुझे खुद अपने भतीजे से मिलाएंगी। बेहद खूबसूरत, जवान और कैंटलॉट का सबसे हैंडसम दिखने वाला यूनिकॉर्न। हमारी नजरें मिलेंगी, हमारे दिल मिलेंगे, हम एक दूसरे में खो जाएंगे। वो मेरे प्यार में पागल होकर मुझसे मेरा हाथ मांगेगा और मैं शर्माते हुए हाँ कर दूंगी। हमारी एक शानदार शादी होगी, इसे मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। वो मेरे सपनों का राजकुमार है, मैं उससे जल्द ही मिलना चाहती हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। ट्वाइलाइट, मैं नहीं सोच सकती कि तुम पिंकी को सिर्फ पार्टी करने के लिए इनवाइट करोगी और मुझे अपने सच्चे प्यार से मिलने के लिए रोक दोगी। तुम कितनी बुरी हो। एंजल, ये तो परफेक्ट है। रुको गाइस, मैंने अब तक ये डिसाइड नहीं किया कि टिकट्स किसे देनी है। अभी तक नहीं। एक्सक्यूज मी ट्वाइलाइट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर तुमने अभी तक ये तय नहीं किया कि किसे टिकट देना है, तुम भी गैला में जाना चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब, हाँ, मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन उस ग्रैंड गैलोपिंग गैला फेस्टिवल के लिए नहीं, बल्कि वहाँ आसपास के खूबसूरत नजारों के लिए। वहाँ के फूल पौधे और चारों तरफ जो गार्डन बने होते हैं उसके लिए। कहते हैं वहाँ के फूल इक्वेस्ट्रिया में सबसे खूबसूरत होते हैं, और उसी उत्सव की रात वो खेलते हैं। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। वहाँ के प्यारे प्यारे एनिमल्स और तितली, वहाँ की पंछी, वो पेड़ में घोंसले बनाते पक्षी, पानी में तैरते बतख, पेड़ों में छेद करने वाले परिंदे और फ्लेमिंगोस। ओह फ्लटरशाई, ये सुनने में तो अच्छा है, लेकिन अभी एक मिनट रुको। रेनबो डैश, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब, हाँ हाँ शायद, क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं चाहती कि तुम वो फेस्टिवल के टिकट्स यूं ही किसी को भी दे दो। एक और मिनट रुको। एप्पल जैक, तुम भी मेरा पीछा कर रही थी? नहीं, बल्कि मैं इसका पीछा कर रही थी ताकि ये कोई खेल ना खेले मेरी टिकट्स पाने के लिए। तुम्हारे टिकट्स। ट्वाइलाइट, तुम मुझे क्यों नहीं लेकर जा रही? मैं तुम्हें अच्छे से ड्रेस और उसमें डाली दो चम्मच शक्कर। ओ
सुनो, झगड़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ट्वाइलाइट, ये मेरा फैसला है और मैं खुद सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, लेकिन इतने शोर में और खाली पेट में मुझसे ये नहीं होगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरा दिमाग मत खाओ। शू, और फिक्र मत करना, मैं हल निकाल लूंगी किसी भी तरह। स्पाइक, मैं क्या करूं? मेरे 5 फ्रेंड्स हैं और उन सब के पास कोई ना कोई रीजन है फेस्टिवल में जाने का। एप्पल जैक या रेनबो डैश, पिंकी पाई या फ्लटरशाय या रारिटी। ओह, कौन जाएगा मेरे साथ? क्या फैसला किया आपने? मैं मुश्किल में हूँ। ट्वाइलाइट, उसे सिर्फ ऑर्डर चाहिए। ओह, मुझे तो फूलों का सैंडविच पसंद है। क्या तुम्हारे पास कुछ लाल पत्थर है? नहीं, ठीक है, मुझे कुछ सूखे और कुरकुरे घास चाहिए। तुम्हें क्या लगता है स्पाइक? चलो कोई और होटल चलते हैं। मेरा मतलब, मुझे घास खाना पसंद है लेकिन मैं पत्थर खाना चाहता हूँ। मेरा मतलब, उस फेस्टिवल में मैं किसे साथ ले जाऊँ? ओह, तुम अभी तक उसी पर हो। स्पाइक सुनो, मैं किसे ले जाऊँ? और अगर मैं किसी एक को ले जाती हूँ तो बाकी 4 नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं अपनी टिकट भी दे दूँ तो भी सिर्फ 2 जा सकते हैं, लेकिन 3 फिर भी रह जाएंगे। क्या होगा अगर मैं? लीजिए आपका खाना। ओह थैंक यू, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है इसे खाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैडम, क्या आप बारिश में बैठकर खाएंगी? बारिश तो नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? हाय मेरी सबसे प्यारी प्यारी दोस्त, मजा आ रहा है सुनहरी धूप में। रेनबो डैश, ये क्या कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने देखा कि बारिश होने वाली है और तुम बारिश में बैठ के कैसे खा सकती हो, इसलिए मैंने बादल में छोटा सा होल कर दिया ताकि तुम बारिश से बच सको। रेनबो, सच सच बताना, क्या तुम एक्स्ट्रा टिकट्स पाने के लिए मुझ पर ये एक्स्ट्रा फेवर कर रही हो? हाँ, सच बताओ। मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सच में, अगर तुम्हारी जगह और कोई होती तो भी मैं करती। रेनबो, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अच्छा होगा कि तुम इसी वक्त इस बादल को मुझसे दूर कर दो। चलो, ठीक है। वेरी गुड। ट्वाइलाइट, बारिश हो रही है। ओह नो, अब क्या करूं? यहाँ आओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सॉरी। ओह नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ट्वाइलाइट, आखिर हम अच्छे दोस्त हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। बोलो, और तुम्हें पता है सच्ची दोस्ती क्या होती है? मेकओवर। रारिटी, ये क्या कर रही हो? ये ठीक नहीं है, मेरा मतलब ये ठीक है लेकिन ये बहुत टाइट है। अब देखो, तुम बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ, वैसे देखने में तो अच्छा है। और तुम? ओह स्पाइक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस है। रुक जाओ, क्या कर रही हो? देख के। ओह स्पाइक, अब सिर्फ एक हैट की कमी है। मैंने तुमसे कहा था मुझे इस फेस्टिवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलूंगा। वैसे इसकी किसको जरूरत है, ये देखो अपने आप को, तुम सच में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली हो। अच्छा, तो तुम फेस्टिवल में? हाँ! और हाँ, ये भी क्या इत्तेफाक है, मेरी ड्रेस भी बिल्कुल तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच होती है ट्वाइलाइट। देखो तो ये कितनी खूबसूरत है, हमारी जोड़ी भी क्या खूब जमेगी। तुम और मैं, सबकी नजरें हम पर टिकी होगी, सबकी आंखें चमक जाएगी ये देखकर कि सबसे खूबसूरत, सबसे होनहार और कोई सबसे अनोखा है तो वो मैं हूँ, रारिटी यूनिकॉर्न। और ट्वाइलाइट, तुम भी बेशक। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि तुम मुझे इतना मस्का क्यों लगा रही हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हें मेरे फैसले का इंतजार करना होगा जैसा सब कर रहे हैं। और अब मुझे पहले कुछ खाना है क्योंकि मैं सुबह से भूखी घूम रही हूँ। क्या तुमने खाने की बात की? ना सारा खाना है, एप्पल पाई, एप्पल फ्रिटर्स, एप्पल टार्ट्स, एप्पल डम्पलिंग्स, एप्पल क्रिस्प, एप्पल क्रम्बलर्स और एप्पल ब्राउनी। ये सारे डिजर्ट्स तुम्हारे लिए। तो क्या कहती हो मेरी दोस्त? हाँ समझू,
नहीं नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा और तुम लोगों की ऐसी हरकतों से मेरा फैसला लेना और भी मुश्किल हो गया है। और अब मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं टिकट किसे दूंगी। तो शायद मुझे नहीं पता था दोस्तों के बीच में फैसला लेना इतना मुश्किल होगा। फ्लटरशाय, अब तुम भी? ओह वेल, हेलो ट्वाइलाइट, उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आए। फेस्टिवल के लिए कमरे की सफाई कर रहे हैं। फेस्टिवल को टाइम है। ओह हाँ, अभी से करके रखे तो अच्छा है। ये एंजल का आइडिया था। क्या ये सब तुम टिकट के लिए कर रही हो? ओह बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो मैं हमारी दोस्ती और प्यार की खातिर कर रही हूँ, है ना एंजल? ओह हाँ, ये टिकट पाने के लिए है। नहीं नहीं नहीं, देखो इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा जब तक कि मैं फैसला ना ले लूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ प्लीज। सरप्राइज। ट्वाइलाइट है मेरी पक्की दोस्त वुपी, वुपी पिंकी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी पोनी, जो मैंने रखी सुपर फन पार्टी पार्टी, पिंकी गाला की टिकट मुझको ही। यस ट्वाइलाइट, दूसरों ने कम से कम टिकट्स के लिए ऐसा तो नहीं किया था। रुको, कौन सी टिकट, कौन सा फेस्टिवल? तुम्हें नहीं पता ट्वाइलाइट के पास ग्रैंड गैलोपिंग गैला के टिकट्स हैं। ग्रैंड गैलोपिंग गैला? मुझे भी जाना है। क्या तुम्हें मेरे गार्डन से फूल चाहिए? मेरे पास तुम्हारे लिए कैरेट्स हैं। मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी और मैं तुम्हारा। अब हम क्या करें? मुझे लगता है अब हमें भागना चाहिए। ऐसा करने से पहले बता देना। मैं नहीं जानती थी कि सब पीछे पड़ जाएंगे। चलो अब दरवाजा बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तुम्हें से किसी को नाराज नहीं करना चाहती, तुम्हारा मदद करना गिफ्ट देना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम सब मेरे दोस्त हो और मैं तुम सबको खुश देखना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं ये नहीं कर सकती। ट्वाइलाइट स्वीटी, मैं तुम पर प्रेशर डालना नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें लगता है तो मुझे टिकट नहीं चाहिए, तुम किसी और को दे दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। सच में मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे खुशी होगी अगर तुम खुश रहोगी ट्वाइलाइट। मुझे भी, दोस्तों को नाराज करने में कोई मजा नहीं। ट्वाइलाइट मैं गलत थी कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। यस, इसका मतलब ये टिकट्स मेरी हुई। टिकट्स मेरी हुई। पता है मैंने अब तक मेरा फेवरेट डांस स्टेप वंडरबोल्ट को नहीं सिखाया, और सिखाऊं भी क्यों, नहीं चाहिए टिकट। हम टिकट्स की लालच में इतने पागल हो गए कि समझ ही नहीं आया तुम्हें कितनी परेशानी होगी। हमें माफ कर दो ट्वाइलाइट। स्पाइक लेटर लिखो। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मैंने सीखा है कि दोस्ती का असली मजा दोस्तों के साथ होता है, लेकिन जब कोई चीज दोस्ती में दरार पैदा करे तो उसे दूर करना चाहिए। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया करते हुए मैं द ग्रैंड गैलोपिंग गाला की ये दो टिकट्स वापस करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या? अगर मेरे दोस्त नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ट्वाइलाइट तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है। स्पाइक तुम अब लेटर पोस्ट कर सकते हो। अब तुम भी इस फेस्टिवल में नहीं जा सकती। कोई बात नहीं दोस्तों, वैसे भी तुम लोगों के बिना वहाँ जाने में मुझे कोई मजा नहीं आता। इससे तो अच्छा है मैं ना जाऊं। ओ वो देख।
घुस पाए। वो तो बिल्कुल उन लड़कों की तरह है जो जरा जरा सी बातों पर सेंटी हो जाते हैं। प्रिंसेस का लेटर इतनी जल्दी, क्या बात है? मेरी प्यारी बच्ची ट्वाइलाइट, तुमने पहले ही इसकी मांग क्यों नहीं की? ये लो 6 टिकट्स ग्रैंड गैलपिंग गैला के लिए। अब हम सब जा सकते हैं। चलो साथ में मिलकर डिनर करते हैं। माफी मांगने का अच्छा तरीका है और सेलिब्रेट करने का। कम ऑन दोस्तों, आज का कपकेक मेरी तरफ से। मुझे टिकट क्यों नहीं मिली फेस्टिवल जाने के लिए? ये लो तुम्हारे लिए स्पाइक। क्या मतलब मुझे भी जाना होगा? Ha 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 ha!